नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में एक और मार पड़ी कोविड-19 और इस वजह से मजबूर होकर पाकिस्तान को पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन हालात इतने बद से बदतर हो गए कि आखिरकार इमरान सरकार ने अब लॉकडाउन को हटाने का निर्णय लिया, जो आज से लागू हो गया। यहाँ पर एक बात बताते चले कि पाकिस्तान में कोविड-19 से अब तक लगभग 611 लोगों की मौत हो गई और लगभग 27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि मजबूर होकर इमरान सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। प्रधानमंत्री इमरान खान ने लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया। इमरान ने कहा कि लॉकडाउन में हालात ठीक नहीं, सरकार तो पहले ही बहुत मुश्किल से चल रही, हम तो सबको पैसे नहीं दे सकते। तुलना करें हिंदुस्तान से, जिसके हालात हमसे बेहतर थे, हमने तो बहुत ज्यादा पैसा दिया हुआ है, लेकिन हम कितनी देर तक पैसे दे सकते हैं, लिहाजा हमें लॉकडाउन खोलना है, लेकिन अकलमंदी से। लॉकडाउन खोलने का ऐलान करते वक्त भी इमरान हिंदुस्तान का जिक्र करना नहीं भूले और उनकी नीयत में सिर्फ एक ही बात थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा अपनी जनता का ख्याल रखता है। लेकिन इमरान ये भूल गए कि 22 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान उनसे संभलता नहीं और 125 करोड़ से बड़ी आबादी वाले हिंदुस्तान से अपनी तुलना कर रहे हैं। कोरोना वायरस से भारत कैसे निपट रहा है, इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की मिसालें दी जा रही। पाकिस्तान तो 5 हफ्तों का लॉकडाउन भी बर्दाश्त न कर सका। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से अब तक 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। 2.25 करोड़ नौकरियां जाने की आशंका जताई गई है। कोरोना वायरस से निपटना दुनिया के हर देश के लिए चुनौती है, लेकिन पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका देश है, जहां बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक ने पिछले कई महीनों से हाहाकार मचा रखा है। अब इस लॉकडाउन ने पाकिस्तान सरकार की कमर तोड़ कर रख दी। इसी वजह से पाकिस्तान ने लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में।